हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन राइटर चिनुआ अचेबी। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइटर इम्पॉर्टेंट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फुल नेम चिनुआ अचेबे का है एल्बर्ट चिनुआ लुमोगु अचेबे। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1930 एंड डाइड इन द ईयर 2013। He was raised at Igbo town of Ogidi in Nigeria. तो basically ये African country Nigeria से है, वहाँ की Ogidi के Igbo town से है। ये Igbo जो town है ये बहुत important है, और यहाँ के जो लोग हैं जिन्हें Igbo people कहते हैं उनके बारे में कई सारे works इन्होंने लिखे हैं। He was a novelist, poet and critic. Important thing जो आपको ध्यान रखनी है, चिनुआ अचेबे is known as father of modern African writing. Father of modern African writing. He was awarded Man Broker International Prize in 2007. तो इन्हें जो prize मिला है वो भी आप ध्यान रखिए, Man Broker International Prize in 2007. अब बात करते हैं उनकी novels की। तो वो novels English में लिखा करते थे और English language को वो defend करते थे as language of colonizers. ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर को वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे और उसे डिफेंड करते थे एज लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स। उनकी नॉवेल्स जो हैं वो फोकस करती थी ट्रेडिशन ऑफ इग्बो सोसाइटी। तो मैंने पहले भी बताया कि ये इग्बो टाउन इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनकी नॉवेल्स जो हैं वो फोकस करती थी इग्बो सोसाइटी के ट्रेडिशंस पे। ठीक है, इनके कई सारे वर्क्स में आपको ईविल फॉरेस्ट टर्म देखने को मिलेगा। तो ईविल फॉरेस्ट एक्चुअली क्या है? ईविल फॉरेस्ट वो एरिया है जो क्रिश्चियन मिशनरीज को दिया गया अपने चर्चेस बनाने के लिए। ठीक है, तो जिस एरिया में क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने चर्च बनाए उस एरिया को चिनुआ अचेबे ने कहा ईविल फॉरेस्ट। अब हम आ जाते हैं इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉवल्स की। फर्स्ट है अफ्रीकन ट्रायोलॉजी। अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, ये पूरी ही ट्रायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रायोलॉजी में तीन नॉवेल्स हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज एंड एरो ऑफ गॉड। तो सबसे पहले बात करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट। ये एक पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि थ्री पार्ट्स में है। विलियम बटलर यीट्स की पोयम द सेकेंड कमिंग से ये टाइटल लिया गया थिंग्स फॉल अपार्ट। द सेकेंड कमिंग में ये लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, और वहाँ से ये टाइटल लिया गया। यहाँ पर लाइफ दिखाई गई है ओकोनकोबो की जो कि एक इग्बो है, यानी इग्बो टाउन से है, और ये लीडर है और लोकल रेसलिंग चैम्पियन है। जो लोकल एरिया में जो रेसलिंग होती है वहाँ के वो चैम्पियन हैं, लीडर हैं, और इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे बात की गई है थिंग्स फॉल अपार्ट में। नेक्स्ट वर्क इज नो लॉन्गर एट ईज। नो लॉन्गर एट ईज जो है ये नॉवल बताती है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं अफ्रीकन लोगों को। ओके, तो शो स्ट्रगल टू अडॉप्ट वेस्टर्न लाइफस्टाइल। यहाँ के जो मेन हीरो हैं या जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो है ओबी ओकोनकोवो। ये ओबी ओकोनकोवो जो है वो ग्रैंड सन है ओकोनकोवो के। ओकोनकोवो कौन थे? थिंग्स फॉल अपार्ट के जो प्रोटैगनिस्ट थे, तो इनके ग्रैंड सन है ओबी ओकोनकोवो। ओके, और इसका जो टाइटल है नो लॉन्गर एट ईज, ये T.S. एलियट के वर्क द जर्नी ऑफ द मैग से लिया गया है। थर्ड वर्क इज एरो ऑफ गॉड। एरो ऑफ गॉड नॉवल जो है वो सेंटर करती है, मेन कैरेक्टर है एजुलू पे। एजुलू जो कि चीफ प्रीस्ट हैं ऑफ सेवरल इग्बो विलेजेस ऑफ कॉलोनियल नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया एक कॉलोनी थी, मतलब जब नाइजीरिया पे कोई और लोग रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो कई सारे इग्बो विलेजेस के जो चीफ प्रीस्ट थे एजुलू, उन पे ये नॉवल सेंटर करती है। इस नॉवल में ये जो चीफ प्रीस्ट हैं एजुलू डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ हाफ स्पिरिट एंड हाफ मैन। तो एजुलू अपने आप को कहते हैं कि मैं हाफ स्पिरिट हूँ और हाफ मैन हूँ। तो ये है अफ्रीकन ट्रायोलॉजी जिसमें थ्री नॉवल्स हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज एंड एरो ऑफ गॉड। इनके अलावा जो इम्पॉर्टेंट नॉवल है वो है अ मैन ऑफ द पीपल। अ मैन ऑफ द पीपल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो है नैनगा, मतलब प्रोटैगनिस्ट का जो नेम है वो है नैनगा। देन इज एंट हिल्स ऑफ द सवाना, टेक्स प्लेस एट द इमेजिनरी प्लेस ऑफ कैंगन। ठीक है, तो इन दोनों नॉवल्स में आपको बस फर्स्ट नॉवल में आपको सिर्फ चीफ कैरेक्टर का नेम ध्यान रखना है नैनगा, और जो सेकेंड नॉवल है एंट हिल्स ऑफ द सवाना, वहाँ पे आपको जो इमेजिनरी प्लेस है उसका नेम ध्यान रखना है वो है कैंगन।
नॉवेल्स के बाद चिनुआ अचेबे ने कुछ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखी, तो यहाँ पे आप सिर्फ नेम्स ध्यान रखिए कि ये वर्क्स जो हैं ये चिनुआ अचेबे के हैं। जैसे शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर, डेड मैनस पाथ, सिविल पीस, द हिनमैन बुक ऑफ कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज एंड गर्ल्स एट वॉर। पोएम्स की बात करें तो वल्चर्स, बिवेयर, सोल ब्रदर्स, क्रिसमस इन बियाफ्रा, और चिल्ड्रंस बुक्स की बात करें तो शाइक एंड द रिवर, द फ्लूट, द ड्रम, हाउ द लेपर्ड गॉट हिज क्लॉज। तो ये सिर्फ आप नेम्स ध्यान रखिए कि ये वर्क्स चिनुआ अचेबे के हैं। सो दैट्स इनफ फॉर चिनुआ अचेबे। फॉर मोर सच रिविजन नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। Till then, all the best and keep learning. Bye-bye.